हम लोग पिछले लेक्चर में देखा कि मॉडुलस के क्वेश्चंस को कैसे ट्राई किया जाता है, क्या मॉड ब्रेकिंग होता है, क्या इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है, जो भी है। अब हमने फिर कहा था कि अगले टॉपिक में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की बात करेंगे, तो हम लोग उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता रहा था मॉड के बारे में कि उसका जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो मैंने अभी नहीं बताया, क्योंकि वो ग्राफ एक अलग पार्ट है जिसको ग्राफ में ही पढ़ाते हैं हम खासतौर पे। इसी तरह से ग्रेटेस्ट पार्ट का भी ग्राफ बनता है, लेकिन उसको मैं ग्राफ में ही पढ़ाऊंगा। जो भी हम लोग दो तीन तीन चीज़ यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जैसे किया जाता है वो चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है हम लोग ग्राफ में सीखेंगे। देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, तो समझते हैं। जैसे ये लिखा होता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉड ऑफ, और यहाँ पे जो लिखा जाए उसको रीड करते हैं, यानी मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मॉड नहीं रहेगा, अब यहाँ पे एक नया सिंबल बनने वाला है, समथिंग एक स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्मेट में होगा। तो इस सिंबल का मैथमेटिकल मीनिंग होगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ, जो कुछ भी लिखा जाएगा उसको रीड करेंगे। अगर x लिखा जाएगा तो x रीड करेंगे, साइन x लिखा तो साइन x, टेन x तो टेन x, e पावर x तो e पावर x, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल स्टडी करने जा रहे हैं नीचे वाले का, न्यूमरेट ऊपर वाले पार्ट्स का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है फिलहाल। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, कई बार इसको कई तरीके से पढ़ा भी जाता है, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, या कई बार बुकों में इस तरह से लिखा होता है तो इन सब का मीनिंग जो है वो सेम होता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स का है, या ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स का है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू एक्स का है। जनरली मैं इसको रीड करूंगा हमेशा, और ये आपको बुक में जनरली देखने को मिलेगा, मैक्सिमम बुक में ज़्यादातर ये वर्ड देखने मिलता है, बट जल्दी पढ़ने की अगर बात करें तो वो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये इसका पूरा फुल मीनिंग होता है। तो तीनों का मतलब सेम है, बट जो मैं यूज़ करूँगा पढ़ने के लिए ये यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ करना। लेकिन जब किताब क्वेश्चंस लगाओगे बुक में से तो आपको जल्दी इस तरह से ज़्यादातर देखने को मिलेगा, इसलिए लिखा है बुक, किताबों में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का। तो ये तो हो गया मीनिंग कि इसको किस तरह से पढ़ते हैं। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। जैसे लिखा है 5, तो 5 का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 5। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल देख के आंसर लिख रहा हूं, बाद में मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों। अगर आप थोड़ा बहुत पहले जानते हो तो प्लीज आप लिख के देखो क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स पिक किया है, 5 का ग्रेटेस्ट पार्ट 5 है, 7.2 का 7 होगा, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5, और 1.5 का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 1, 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 0। अभी मैं कोई भी रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से, अभी मैं कोई रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, रूल अभी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा पहले इसमें प्रॉब्लम तो देखें कि प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें हमें क्या ऐसा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 का ग्रेटेस्ट पार्ट 5, 7.2 का 2, 3/2 का 1.5 होता है, तो आपका ग्रेटेस्ट पार्ट 1 आ जाएगा, 0 का 0, ठीक है। 9.23 का 9 आ जाएगा, -5 या -7 का -7 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब जो लिख रहा हूं इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होता है देखो, होते हैं जैसे लिखा है -7.2, तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर जो लिखते हैं वो लिखते हैं -7, ठीक है। क्या लिखते हैं? -7, जो कि गलत होता है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा -8। अब क्या कारण है गलत लिखने का वो भी थोड़ा समझते हैं।
जो जो डेसिमल नंबर है थोड़ा वहां वहां फोकस करो। लोग इस तरह से लिखते हैं कि डेसिमल के पहले जो नंबर वो लिख दो, जैसे डेसिमल पहले सेवन सेवन लिख दिया, डेसिमल के पहले वन है तो वन लिख दिया, डेसिमल पहले नाइन है तो नाइन लिख दिया, डेसिमल के पहले माइनस सेवन है तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से लोग सोचते हैं कि माइनस सेवन लिख दिया जाए। तो मेरा कहना है कि ये जो सोचते हैं हम लोग वो गलत सोचते हैं। उसका 100% कौन सी बात सही है हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, फाइव का फाइव होता है, जीरो का जीरो, माइनस सेवन का माइनस सेवन, माइनस टू का माइनस टू एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कहूँ कि पाई की वैल्यू क्या होता है, पाई का ग्रेटेस्ट पार्ट पूछ रहा हूँ, पाई की वैल्यू होता है 3.14, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट थ्री, ठीक है। तो क्या कारण है कि ये वाला पार्ट गलत हो गया, बाकी सारे केसेस में डेसिमल के पहले वाला ही लिखा जा रहा है। तो देखो यार, ये रूल नहीं है कि डेसिमल के पहले जो लिखा होता है वो लिखते हैं, रूल क्या है फाइनल अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो ताकि हम यहाँ से रूल बना सके। रूल क्या है सुनो, रूल नंबर फर्स्ट, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स, एक्स तब होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, आई का मतलब यहां पे इंटीजर से, आई होप इंटीजर नंबर किसे कहते हो सबको पता होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर इस चीज का मतलब है कि एक्स इंटीजर नहीं है, ओके, क्योंकि बिलोंग्स को मैंने कैंसिल किया हुआ है, इसका मतलब है कि x इंटीजर नहीं है, या यूं कहें x नॉन इंटीजर है, ठीक है। इस पूरे से बात को हम क्या कह सकते हैं मिलाकर एक शब्द में, x बराबर नॉन इंटीजर, आई मीन x इक्वल टू नॉन इंटीजर, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होता है वो देखते हैं। तब इसका आंसर जो आएगा, जस्ट बिफोर इंटीजर ऑफ x, क्या मतलब है समझते हैं। एग्जाम्पल लो, जैसे मैं लिखा फाइव, फाइव कैसा नंबर होता है, इंटीजर, इंटीजर जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ही देता हूँ, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड ऑल द थिंग्स, यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होता है, जितने माइनस के नेचुरल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होता है, और इंक्लूडिंग जीरो भी इंटीजर में काउंट किया जाता है। तो देख सकते हो फाइव कहीं ना कहीं नेचुरल में आता है, इसलिए इंटीजर है। तो रूल क्या कहता है, अगर ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स, अगर अंदर वाला वैल्यू इंटीजर होता है तब आप सीधे सीधे एक्स लिख दो, तो यहाँ पे फाइव है तो फाइव लिख दिया जाएगा, नाइन है तो नाइन लिख दिया जाएगा, माइनस टू है तो माइनस टू लिख दिया जाएगा, माइनस सेवन है तो माइनस सेवन, देख सकते हो जीरो भी इंटीजर का पार्ट है इसलिए यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट दिस, कि अगर ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू होते हैं तो इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो हमेशा एक इंटीजर ही आता है, ठीक है इस ओके। अब बात करते हैं सेकेंड के करस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लिखा है 3.52, ठीक है 3.52, तो रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर का अंदर अगर नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब जो इस तरह के नंबर ना हो, मतलब जैसे डेसिमल हो गया, डेसिमल एक्चुअली याद रखो ज़्यादा बेटर है, जब डेसिमल लग जाता है तो सारे आंसर नॉन इंटीजर्स के होते हैं, ठीक है। तो 3.52 तो ये नंबर है आपके नॉन इंटीजर, तो यानी कि वो इस कैटेगरी का है, तो इस कैटेगरी का है तो ग्रेटेस्ट पार्ट का जो आंसर होगा, इनका कहना है कि जस्ट बिफोर इंटीजर ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखा है 3.52, 3.52, तो इसके जस्ट बिफोर इंटीजर कौन सा आएगा, आने के तो बहुत सारे नंबर आएंगे, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, और भी सारे नंबर इस साइड आएंगे, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सब एक वर्ड यूज किया है जस्ट बिफोर, तो 3.52 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आया है इस एग्जाम्पल में,
वो आया है आपका 3, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। जैसे मान लिखा है माइनस का 2 पॉइंट या माइनस का 1.36, मान लो लिखा है सेम बात, माइनस 1.36 यहाँ ले लो, इसके लेफ्ट साइड कौन कौन सा नंबर आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 4 आएगा, और भी सारे नंबर आएंगे, तो इससे कम तो और बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन रूल क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर अगर नॉन इंटीजर नंबर हो, चाहे किसी भी तरह के हो, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, जैसे पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव में नॉन इंटीजर था, दूसरा निगेटिव में नॉन इंटीजर है, तो रूल कहता है कि अगर नॉन इंटीजर नंबर है तो उसका जो आंसर होगा जस्ट बिफोर इंटीजर ऑफ एक्स, इस एक्स के पहले जो इंटीजर आएगा वही आंसर होगा, तो एक्स की प्लेस में लिखा है इसके पहले कौन सा इंटीजर है, वो है आपका माइनस का 2, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 2। तो आप देख सकते हो कि जो रूल हम लोग अपनी तरफ से बना के याद करने की कोशिश कर रहे थे वो गलत था, पहले जो पहले एग्जांपल दिया था जो लोग सोच रहे थे कि डेसिमल के पहले जो लिखा होता है वही आंसर होता है, डेसिमल पहले 3 तो 3 लिखा है, लेकिन डेसिमल पहले माइनस 1 है तो माइनस 1 तो नहीं लिखा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो 100% रूल ट्रू है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू सिर्फ वही लिखा जाएगा तब जब नॉन इंटीजर हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो जस्ट बिफोर इंटीजर ऑफ एक्स आएगा, तो उस एक्स के जस्ट पहले जो भी इंटीजर आएगा वही हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही बेसिक बात को यूज करके यहाँ बताया है, जैसे मान लो लिखा है √7 की वैल्यू, √7 यार, √7 तो नॉन इंटीजर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल के आसपास आएगा, तो आप इस तरह के सवाल को जज करने का तरीका होता है कि आप देखो √7 किसके आसपास है, जैसे स्क्वायर रूट है ध्यान रहे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट से तो ग्रेटर है ही समथिंग, तो ये डेसिमल के बाद क्या आएगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल के पहले 100% सही होना चाहिए, तो 2.51 का ग्रेटेस्ट पार्ट जो होगा वो आएगा 2। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मान लिखा है पाई स्क्वायर, तो अब मुझे ये जानना जरूरी है कि पाई की वैल्यू क्या होता है, ये सबको पता है 3.14, एंड देन इसका स्क्वायर करेंगे अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 9.8 के आसपास आएगा, डेसिमल के बाद और भी सारे नंबर आ सकते हैं बट ये 9 पॉइंट आसपास आएगा, और याद करो नॉन इंटीजर है तो 9.8 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा, वो 9 आता है, आप चाहो तो नंबर लाइन इस तरह से बना के देख सकते हो। ठीक है, ये रहा आंसर इसका, ये रहा आंसर इसका, ये रहा, तो ये मैंने जो भी एग्जांपल बेसिक लिया है बस ये डिसाइड करने के लिए कि आगे चल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें इस तरह से डिसीजन लेने का ही कंसेप्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का अंदर वाला एक्स सेम टू सेम तब लिखा जाएगा जब ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इस तरह के होंगे, इंटीजर्स, इंटीजर्स के नंबर इस फॉर्मेट के होते हैं, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू ये वाली बात तब बोलेंगे जब एक्स का प्लेस कैसा होगा, नॉन इंटीजर्स, तो अगर नॉन इंटीजर होगा तो जस्ट बिफोर इंटीजर ऑफ एक्स, तो इस एक्स के पहले, इस एक्स के पहले जो इंटीजर पहले आएगा उसी को आंसर लिखते हैं, जस्ट बिफोर लिखा गया है ध्यान से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक है, साइन 3.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट इंटू पाई बाई 2, सॉल्व करते हैं, 3.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या होगा, 3, आज ही हम लोग सीखे हैं क्योंकि नॉन इंटीजर है तो इसके पहले इंटीजर 3 आएगा, अब यार बेसिक बात है साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अपने को याद भी होता है और नहीं याद है तो मैथमेटिकली हम लोग निकाल भी सकते हैं, 2π + π 3π/2, तो साइन एक्सोसियंस प्लस थीटा, तो यहाँ पे साइन एक्सोसियंस प्लस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा होता है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मानो लिखा है कॉस पाई स्क्वायर इंटू पाई या 3π/2 जो भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाई बाई 2 हो यार, यहाँ पे पाई बाई 4 भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, ओके,
तो आप बताओ पाई स्क्वायर होता है लगभग 9 पॉइंट के आसपास, तो ये सॉल्व करने बाद हो जाएगा कॉस 9 पाई बाई 4। तो 9 पाई 4 करेंगे तो देख सकते हो 4 2 8 प्लस 1 9 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये कॉस 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड में नो चेंज होता है तो कॉस 5/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू अपने को याद होता है 1/√2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट को हम लोग किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ सवाल में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ किया है, ये सारे सवाल इसमें यूज़ होते हैं फिलहाल। तो ठीक है, आप कुछ सवाल को धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं कि और किस किस जगह पे क्वेश्चंस को क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मान लो लिखा है लॉग 2 बेस 10, फॉर एग्जाम्पल लॉग 10 बेस 2 और पूरे का लगा हुआ है ग्रेटेस्ट पार्ट। आई रिपीट, पूरा रीड करने के साथ बात करें तो ये पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ लॉग 10 बेस 2। ठीक है, अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देख भाई, इस तरह सवालों में सबसे बेस्ट प्लान होता है कि बेस 2 लिखा है और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो 10 लिखा है। इसका जो थिंकिंग पार्ट है वो ये कि जो बेस होता है उसको आप यहां लिख दो, सेम बेस कॉपी कर लो फोटो का, सेम टू सेम, यहाँ 10 लिखा है कि 20 लिखा है, 9 लिखा है कि 1000 लिखा है, 500, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो कॉपी कर रहे हैं, जो नकल मार रहे हैं देख के लिखने का, वो है बेस। बेस जो भी लिखा होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, आग बन लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब सोचो कि 2 की पावर ऐसा क्या रखें कि 10 आता हो। यार अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट 10 तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि 2 की पावर में ऐसा क्या रखने पे आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। फिर भी जैसे 1 लिखा पावर, तब तो ये प्लेस 2 आएगा। अच्छा 2 लिखा तो ये वाला प्लेस 4 आएगा, लेकिन हमें चाहिए था 10। 3 लिखा तो ये वाला प्लेस 10 है, आ रहा 8। 4 लिखा तो ये हो गया 16, चाहिए 10, इसका मतलब हो गया ज़्यादा। यानी कि 3 रखने पे 8 आ रहा है और 4 रखने पे 16 आ रहा है, यानी कि नहीं एग्जैक्ट 4 होगा नहीं एग्जैक्ट 3 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 3 रखते हैं तो एग्जैक्ट 8 आता ना, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट 10 है और एग्जैक्ट 4 रखते हैं तो वो 16 आ रहा है, जो कि 10 से ज़्यादा है यानी 10 से ज़्यादा है। इसका मतलब 3 से कुछ ना कुछ ज़्यादा तो होगा ही होगा किसी भी कीमत पे। अब डेसिमल के बाद कितना ज़्यादा होगा ये हमें कोई मतलब नहीं है, हाँ लेकिन पक्का से और एक पावर 3 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि हम इसको 4 भी नहीं कह सकते, क्योंकि 4 अगर होगा तो 2 पावर 4 16 आ जाएगा, लेकिन अपने को 10 चाहिए। तो लॉग एम के पावर एन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.01, इसकी वैल्यू होता है आपका 1। तो आप देख सकते हो 3.01 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि अगर यहाँ पे 2 होता, सॉरी यहाँ 10 होता और यहाँ 2 होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे 2 होता यहाँ 10 होता तो क्या किया जाता। तो देखो भाई, इस तरह के सवालों में हमेशा आपको एक ही अप्रोच के साथ काम करना है, प्रयास करना है कि जो बेस है ना उस बेस को हमेशा हम लोग कम रखें जिस नंबर का बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बेस को 2 रखा गया था तो ये थिंकिंग करना आसान था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थिंकिंग करना आसान नहीं, आसान ये भी है, लेकिन 10 के पावर में सोच के 2 के आसपास लाना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो याद करो एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए लॉग में समथिंग, ठीक है 1/log 10 बेस 2, और आप बताओ क्या ये हम लोग सोच लिए, कैसे सोचते हैं, क्योंकि बेस जब कम होता है ना तो नंबर में सोचना आसान होता है। जैसे यहाँ पे था तो किसके आसपास था ये वाला नंबर, 3.01 के आसपास, तो ये 3.10 है, 1 से डिवाइड करेंगे
अप्रॉक्स 100-300 आएगा, तो ये अप्रॉक्सली 0.0 समथिंग कुछ भी लिख दो आप, 2 या 1 जो भी चाहे, ठीक है। डेसिमल के पहले 0 है तो ये 0 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट, डेसिमल पहले 0 नहीं है, ये नंबर नॉन इंटीजर है, इसके जो पहले इंटीजर आएगा वो 0 आएगा। यानी कि इस सवाल को दोनों को मैं बगल में इसलिए कराया हूँ, ज़्यादा आसानी से सोचना तभी बेटर होता है जब बेस सबसे कम हो जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है। तो जब कम होगा तो थिंकिंग करना बहुत ही आसान होगा, तो इसलिए मैंने दोनों सवाल को करस्पॉन्डिंग करा है, ठीक है। अब चीज़ों को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, बहुत हो गया। जैसे लॉग 70 बेस 2, 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, 2 लिखता हूँ। तो देखो, आप 70 को सोचो, बेस क्या है 2, तो यहाँ पे आग बन करके 2 लिख लो। अब पावर को सेट करो इस तरह से कि 70 से न ज़्यादा हो न 70 से कम हो, 70 के आसपास ऐसा क्या पावर जा सकता है। जैसे बढ़ाते हैं, जैसे 4 टाइम में रखते हैं तो 16 आता है, चलो भाई बढ़ना चाहिए, और 5 में 32 आता है, 6 रखते हैं तो 64 आता है, 7 रखते हैं तो 128 आता है। यानी कि 2 पावर 6 में 64 आ रहा है, 2 पावर 7 में 128 आ रहा है। इसका मतलब है कि 70 के प्लेस पे न 2 पावर 6 एग्जैक्ट हो सकता है और न 2 पावर 7 एग्जैक्ट हो सकता है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि 6 से ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत, बट 7 से क्या होगा, लेस। क्योंकि अगर 7 एग्जैक्ट हो जाएगा तब तो ये 128 आ जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 70। तो एग्जैक्ट 70 नहीं ला पा रहे, लेकिन हाँ इतना सेट हो जा रहा है कि 6 से पक्का ज़्यादा होगा, क्योंकि 6 पावर में 64 आ रहा है, यानी मुझे 70 तक जाना है तो पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। तो 6 पॉइंट समथिंग, वट एवर, 1, 2 या 1, 3 कुछ भी लिख सकते हो आप। डेसिमल के पहले 100% सही होना चाहिए। डेसिमल बाद अगर आप एग्जाम में नहीं भी सोच पाते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे काम में ग्रेटेस्ट पार्ट बताना है ना, और ग्रेटेस्ट पार्ट में डेसिमल के आगे का कोई भी मीनिंग नहीं होता, यानी मीनिंगलेस होता है, ठीक है। ओके, लॉग एम के पावर एन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। मान लो लिखा है लॉग 1/40, बेस में 2 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह सवालों में भी सेट करने का सबसे बेस्ट पार्ट है कंफर्टेबल होने के लिए, क्या अभी इसको पावर -1 ले लो, और ये फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम की पावर एन, सो एन लॉग एन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 40 लिखा है, 40 को 2 के पावर ऐसा क्या सेट करें कि ज़्यादा ना 40 से हो ना 40 से ज़्यादा कम हो। तो सोचते हैं 5 बार 32 आता है, 6 बार में 64 आएगा, तो एक बार कंफर्म है कि 5 बार में 32 आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होने वाला है, कितना ज़्यादा होगा मेरे को नहीं पता, पढ़ा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 6 के आसपास नहीं पहुंच सकता, मतलब एग्जैक्ट 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 64 आ जाएगा, बट अपने को 40 चाहिए इसलिए, ठीक है। तो लॉग एम के पावर एन के हिसाब से आ जाएगा, पावर सामने आ जाता है, पता है फॉर्मूला, ये वैल्यू 1 होता है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा -6। ध्यान रहे डेसिमल के पहले -5 लिखा है, तो इसका मतलब -5 नहीं, ये रूल नहीं है। रूल क्या पढ़ाया गया कि अंदर जब नॉन इंटीजर्स होते हैं तो हमेशा उस नंबर के पहले जो पहली बार इंटीजर आता है, यानी जस्ट इंटीजर, वही आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह से करते करते हमने एक सवाल का फाइनल आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चन हमने कराया, काफ़ी ठीक ठाक थे। अब एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कॉम्पिटिशन लायक है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, कई स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर कर दे। जब सिर्फ इतना लिखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आगे कुछ भी ना लिखा जाए, तो इस ब्रैकेट्स को आप एक नॉर्मल ब्रैकेट समझोगे, जिस तरह से हम लोग क्लास 8-6 में सिंबल के तौर पर यूज करते थे। लेकिन अगर इस ब्रैकेट का ये मीनिंग होगा
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्वेश्चंस में 100% इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज डॉट वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पे बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, वो जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट है। मतलब इसका जो मीनिंग है वो नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, वो टॉपिक है जो हम लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ना लिखा जाता तो आप हमेशा बेसिक ब्रैकेट के हिसाब समझते, ठीक है। अगर ये बोल दिया, ये बात बोलता ही है अगर इस तरह से कहीं नहीं सिंबल दिखता है प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन में जितने भी है कॉम्पिटिशन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आर है वो वन है, और वन से कहाँ तक जाना आपको, डबल सिक्स तक, ठीक है। देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। वन से स्टार्ट करो, तो वन बाय थ्री प्लस वन बाय डबल सिक्स प्लस, समेशन का मतलब होता है प्लस का सिंबल, टू बाय डबल सिक्स प्लस मिडिल में कहीं ना कहीं एक नंबर आएगा, जब आर की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव करते करते जब 66 तक जाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक नंबर आएगा, आर की वैल्यू 44 आएगा। और अगर इसके पहले बात करें तो क्या आया होगा, 43 डिवाइड बाई डबल सिक्स, ठीक है। और अगर इसके बाद की बात करें तो आएगा 1/3, 45 बाई डबल सिक्स, और जाना है अपने को 66 तक, ठीक है। मैंने कुछ टर्म शुरुआत के लिखे हैं, कुछ मिडिल के आसपास लिखे हैं और कुछ लास्ट के दो टर्म लिखे हैं, ठीक। तो इसमें अगर बात करें कि इस समेशन में टोटल कितने टर्म है, यार वन से लेकर 66 तक रखना है, तो टोटल यहाँ पे जो टर्म होंगे वो 66 होंगे। मतलब इस तरह से जब काउंटिंग करेंगे ग्रेटेस्ट पार्ट वाइज, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, एंड देन काउंटिंग करते करते लास्ट में आएगा 66 टर्म। अब बात करते हैं इसके आंसर्स की क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे 1/3, तो ये 0 point something है, 1/66 0 point something है, तो ये कुछ आएगा 0.01, इसका भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा 0.023 के आसपास। मैं फिर से कह रहा हूँ डेसिमल के बाद मैं गलत लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन डेसिमल के पहले जो लिख रहा हूँ वो 100% सही है, 0.0 कुछ भी ऐसे 2-3। तो अब बात आता है कि 0.02 0.023, तो देखा जाए तो ये मिडिल वाला जो टर्म्स है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग एग्जैक्टली वन आने वाला है। आप चेक कर लो, ये आ जाएगा 2/3, 2/3 में 1/3 ऐड कर दो तो एलसीएम के बाद यहाँ वन आएगा। इसका मतलब है कि वन किस आर पे आया है, इसमें ऐसा क्या आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है एक से लेकर 66 तक कि ये वन आया है, तो वो था 44। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे तो ये आया था लेस देन वन, यानी 43/66 में भी सॉल्व करेंगे तो ये एक से कम आएगा, यानी वन से लेस आएगा, 42 पे भी वन से लेस आएगा, 41 पे भी वन से लेस आएगा, तो ये वन से कम कहाँ कहाँ आ रहा है, जब तक ये आर की वैल्यू स्टार्टिंग से ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला वन है तो एग्जैक्टली अगला जो टर्म आएगा 1.01, ये आएगा 1.02, ये देख सकते हो दिख ही रहा है कि ये कट के वन आएगा, 1/3 जो भी कुछ आता हो आफ्टर एडिंग 1.03 मान लेते, ठीक है। यानी कि 43 टर्म्स के पहले, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 करते 43 तक गए, 43 टर्म्स के पहले इन साइड ग्रेटेस्ट के पार्ट के अंदर जो भी मिल रहा है वो 0 से 1 के बीच में मिल रहा है। तो याद करो ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा इसका, 0, यानी कि 0 कितनी बार आया। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
तो आप देख सकते हो 1 2 3 काम फिनिश हो रहा है 43, यानी 43 टाइम्स जीरो आ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है बट लिख के दिखा रहे हैं। प्लस एग्जैक्टली वन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर की वैल्यू 44 पे अवेलेबल है, जबकि ये 2/3 आएगा आपका एडिशन 1 आ जाएगा। और याद करो 1 से जस्ट ग्रेटर का ग्रेटेस्ट पार्ट आता है 1। तो अब बात आते हैं कि ये 1 कब तक आएगा, तो देखते हैं लास्ट में इसको भी सॉल्व करने बाद 1.02 के आसपास तो भी 1 आएगा, ये 1.033 के आसपास है तो भी 1 आएगा। तब बात ये आती है कि जो लास्ट में 1 लिखा गया है वो कितनी बार है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तक 43 टर्म्स तक तो 0 आया था और टोटल थे 66 टर्म, तो ये 1 कितनी बार आएगा अगर काउंट नहीं कर पाया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 66 में से 43 घटा दो तो कितने टर्म बचे हैं, अब वो आ जाएगा। सो आई थिंक यहाँ पे 23 टर्म्स बचते हैं, इन दोनों को ऐड करो देखो 66 टर्म आ गए, ये क्योंकि टोटल 66 टर्म्स थे, तो ये आ जाएगा 0 कंप्लीट ऐड करने के बाद, और ये 1111 23 टाइम्स आ रहा है तो 23 × 1 आ जाएगा। तो अगर बात करें फाइनल आंसर का तो ये 23 आ जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूले क्या क्या हैं, उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। ओके।